अभी हम बात कर रहे होंगे कि कितनी परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और 70% से कम है तो जेई के स्कोर से आपको कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला। इस केस में आपको किसी लोकल कॉलेज या अच्छे प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। अगर परसेंटाइल 70 से 80 के बीच है तो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, बट जो आपके स्टेट के अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस माने जाते हैं उनमें आपको सिविल और मैकेनिकल जैसी कोर ब्रांचेस देखने को मिल सकती है। 80 से 90% के बीच है तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी और स्टेट के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आईटी और ईसीई जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगे। 90 से 95% के बीच है तो आपको अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। 95 से 97 के बीच है तो नीचे वाली एनआईटी में कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी और अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। 97 से 98.5 के बीच है तो नीचे वाली ट्रिपल आईटी और एनआईटी में कंप्यूटर साइंस और बीच वाली एनआईटी में कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी। 98.5 से 99.1 तक है तो बीच वाली एनआईटी में कंप्यूटर साइंस और ऊपर वाली एनआईटी में कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी। 99.1% से ज्यादा है तो देश की सबसे अच्छी ट्रिपल आईटी और एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।